जो कंपनी पानी के जहाज़ों के जरिए माल की तरसील का काम यानि बरामदाद और दरामदाद करती है उसे शिपिंग कंपनी कहा जाता है और इस माल की तरसील आम तौर पर कंटेनर के जरिए की जाती है जो कि मुख्त अकसाम में पाए जाते हैं इस काम के लिए बहुत सी कंपनियाँ मौजूद हैं जो दुनिया के मुख्त खत्ों में अपना अपना काम कर रही हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इनमें से वो कौन सी दस बड़ी शिपिंग कंपनियाँ हैं पी आई एल यानि पेसिफिक इंटरनेशनल लाइन सिंगापुर की यह कंपनी जो उन्नीस सौ सड़सठ में मरूज़ वजूद में आई जनूब मश्रक एशिया की सबसे बड़ी जहाज रखने वाली कंपनी में से एक है पी दुनिया के सौ ममालिक में से पाँच सौ से ज्यादा मकाम पर अपनी खदमा पेश करती है जिसमें एक सौ अट्ठाईस जहाजों का फ्लीट है जिसकी कार्गो की गुंजाइश चार लाख बीस हजार उनतालीस टीव है ट्यू से मुराद एक बीस फिट कंटेनर होता है होंडे जनूबी कोरिया की शिपिंग कंपनी है जिसके फ्लीट में बहत्तर जहाज और इसकी कार्गो की गुंजाइश चार लाख चौबीस हजार सात सौ चौबीस है दुनिया की एक आला मरबूत लॉजिटिक कंपनी होने के नाते होंडे कोरिया की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है यांग मिंग मरीन ट्रांसपोर्ट ताइवान में वाक़ ये कंपनी दुनिया की कदीम तरीन शिपिंग कंपनीों में से एक है इसका कयाम उन्नीस सौ बहत्तर में हुआ यह कंपनी एशिया यूरोप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अपनी खिदमां सर अंजाम दे रही है और छियानवे जहाज़ों के बेड़े के साथ बासठ लाख सात हजार सात सौ पच्चीस ट्यूज ले जाने की सलाहियत रखती है एवरग्रीन की बुनियाद अड़सठ में डॉक्टर यंग फा चैंग ने रखी थी इसके दफातर पूरी दुनिया में मौजूद हैं इसके पास दो सौ तीन से ज्यादा ऑपरेशन सलाहित रखने वाले जहाज हैं जिनकी कंटेनर रखने की गुंजाइश बारह लाख उन्नीस हजार चार सौ छः ट्यूज है इसका शुमार दुनिया की बड़ी कार्गो शिपिंग कंपनीियों में किया जाता है ओशन नेटवर्क एक्सप्रेस सात जुलाई दो हज़ार सत्रह को क्याम पजीर होने वाली यह कंपनी अपने वजूद के अतबार से ज्यादा पुरानी नहीं है वन तीन बड़ी कंपनियों यानी एम ओ एल के लाइन और एन वाई के के इंजमाम से अमल में आई इसका सेटअप जापान और हेड क्वार्टर सिंगापुर में है वन को एशिया लातनी अमरीका और अफ्रीका में सर्विसेज को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया तीनों कंपनियों के इतिहात के नतीजे में दो सौ सत्रह जहाजों का बेड़ा बना जिसकी मुश्तरक कंटेनर कैपेसिटी पंद्रह लाख इक्कीस हजार सात सौ दो टीव है, है लॉयड यह कंपनी उन्नीस सौ सत्तर में हेम्बर्ग अमेरिकन लाइन और शुमाली जर्मनी कंपनी लॉयड के दरम्यान इंजमाम के नतीजे में कायम हुई आज इस कंपनी के पास दुनिया भर में सोलह लाख चवालीस हज़ार पाँच सौ पैंसठ ट्यूज़ ले जाने की सलाहियत रखने वाले दो सौ इकतीस से ज्यादा जहाज मौजूद हैं सी एम ए सी जी एम फ्रांस की एक मरूफ़ शिपिंग कंपनी है माजी में मौजूद मुख्त्य शिपिंग कम्पनीों के इंजमाम के नतीजे में सी एम ए सी जी एम का क्याम उन्नीस सौ अठहत्तर में हुआ इस कंपनी को फाल बनाने में इसके सरबरा जागसाद का अहम करदार रहा इस वक्त कंपनी के पास आलमी सतह पर पाँच सौ पाँच से जायद जहाज़ों का फ्लीट है जो एक सौ पचास से जायद रूट्स पर काम कर रहा है और इसकी कंटेनर की गुंजाइश छब्बीस लाख तरतालीस हज़ार सात सौ पैंतालीस ट्यूज़ है चाइना ओशन शिपिंग कंपनी शिपिंग कंपनीों से एक बड़ा ग्रुप है इस वक्त कंपनी का ऑपरेशन 40 से ज्यादा ममालिक में फैला हुआ है जिसमें चार सौ इकसठ जहाजों का फीट शामिल है जो सत्ताईस लाख बानवे हजार चार सौ अड़तालीस ले जाने की सलाहियत रखता है मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी जिसे आम तौर पर एम एस सी कहा जाता है यह एक स्विस इंटरनेशनल कार्गो कंपनी है इस कंपनी का क़याम उन्नीस सौ सत्तर में हुआ मौजूदा तौर पर इसके पास पाँच सौ चौबीस से जायद जहाज़ों का बेड़ा है इस ग्रुप को दुनिया की सबसे वसी कार्गो कंपनियों में से एक करार दिया गया है इसके पास तैंतीस लाख आठ हज़ार नौ सौ पचपन ट्यूज ले जाने की सलाहियत है डेनमार्क में वाक्य इस कंपनी ने उन्नीस सौ चार में शिपिंग के मैदान में कदम रखा और देखते ही देखते दुनिया की नंबर वन शिपिंग कंपनी बन गई मस् शिपिंग ए पी मोलर मस कंपनी की शाख है जो कि दुनिया भर में अपने जहाज़ों के फीट की वजह से जानी जाती है इस कंपनी की बुनियाद और पीटर मोलर ने रखी थी जिसके नाम से ही ये जानी जाती है यानी ए पी मोलर मास्क इस वक्त कंपनी के पास तकरीबन सात सौ ग्यारह जहाज़ों का फ्रीट है और इसकी कंटेनर रखने की गुंजाइश चालीस लाख सतासी हज़ार चार सौ अस्सी ट्यूज़ है जो कि दुनिया में तमाम शिपिंग कंपनीों से ज़्यादा है